हेलो एवरीवन तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिजम एंड पॉपुलेशन का स्पीड रिवीजन जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के अगले 20 मिनट में कवर करने वाले हैं तो बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ये जो पीडीएफ है ये तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ये जो सेशन है इसमें मैं एन से जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जिनको मैं बायोहेक बोलता हूँ उन क्वेश्चन को कराता हूँ और ये इतने फन वे में होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब सेशन हो गया और तुम्हारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा चलिए फर्स्ट रिफर्स एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन थे रामदेव मिश्रा अरेंज द वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ये मैं तुम्हें तो याद करवा देता हूं सबसे पहला है माइक्रोमोलिक्यूल्स उसके बाद आता है सेल उसके बाद आता है टिश्यू उसके बाद आता है ऑर्गन उसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स उसके बाद आता है पॉपुलेशन कम्युनिटीज इकोसिस्टम एंड बायोम्स तो ये नाइन ऑर्डर हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन है इकोलॉजी कंसर्ट विद विच फाइव लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये नीट में आ चुका है एंड ये जो है ये है हमारे ये वाले ऑर्डर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटीज इको एंड बायोम्स ये पांच हमारे को इकोलॉजिकली रेलिवेंट है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स में इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली क्या होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी

तो डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एन ए डिस्टिंग मैं तुम्हें तो तो बता दूँ मैं तुम्हें तो शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ नीच मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेजन का अपना एक एरिया होता है जहाँ पे वो रह रहा होता है जैसे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो कोई जेई की तैयारी कर रहा है तुम्हारा जो पॉइंट है तुम्हारा जो नीच है वो नीट है किसी दूसरे का जेई होता है ऐसी किसी जानवर का होता है कि वो पेड़ पे मान लो बैठता है किसी का होता है कि वो मगरमच्छ खाता है किसी का होता है कि वो हवा में उड़ता है तो ऐसे हर एक का नीच डिवाइडेड है इसे नीच बोलते हैं जो था मगरमच्छ वाला मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इस टेम्परेचर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगोज कैन नॉट ग्रो इन ट्रॉपिकल या टेम्परेट कंडीशन तो टेम्परेट टेम्परेट लाइक कौन कौन सी टेम्परेट कंट्रीज के एग्जाम्पल है कैनेडा और जर्मनी स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन कौन से फॉरेस्ट नॉट फाउंड इन यस केरला टू फिश आर लेली कॉड बियॉन्ग ट्रॉपिकल या टेम्परेट लेटिट्यूड Restrict to narrow temperature range को हम क्या हैं? जो ऑर्गेजम नेरोपरेचर रेंज को रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उन्होंने क्या बोलते हैं कितना लेस देन लाइक होता है yes, less than five. में कितना होता है सोल्ट

शन एंड वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी सेडिमेंट कैरेक्टिस्टिक टाइप ऑफ डैश एनिमल क्यों हैिटी टू में मेरे साथ चलते चलो एक एक पॉइंट ये तुम्हारे को एग्जाम में पूछेगा मैं बता रहा हूं तो मैं लग रहा हूं कि भैया ये क्या करा रहे हो यह क्या चीज है सुनते जाओ बस और इस कर इसको करने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लेना प्रैक्टिस की, की किताब उठा लेना तो मैं यही याद आएगा कि मैंने अच्छा ये, ये था, ये था। चीज कवर हो रही होगी नॉट अ कॉन्सेंट इंटरनल एनवायरमेंट ट्रू या फॉल्स ट्रू थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल या लार्ज एनिमल्स स्मॉल स्मॉल एनिमल्स फाइंड इट वेरी हार्ड टू लिव इन कोल्डर एरियाज ट्रू एवरी विंटर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम डैश टू डैश कहां से आते हैं जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो तुम्हें चैट पर लिखना है और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो अपने मन में सोचो और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ध्यान से सुन लो तो कम फ्रॉम साइबेरिया टू कैलेडियो नेशनल पार्क जो कि कहां पर है राजस्थान में वैसे केलेडियो नेशनल पार्क भरतपुर है भरतपुर कहां पर है राजस्थान में राजस्थान कहां पर है इंडिया में इंडिया कहां पर है तुम्हें पता होना चाहिए एग्जाम्पल ऑफ हाइबर नेशन बियर्स एग्जाम्पल ऑफ एस्टिवेशन सस्पेंडेड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंड इज डाइपॉज सीन इन जू प्लैंट स्पीसी डैश इन नॉर्थ या साउथ अमेरिका डेजर्ट कैन मीट हिस वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू फैट ऑक्सीडेशन कौन कंगारू रेट कहां पर मिलते हैं नॉर्थ में मिलते हैं कंगारू रेट हावेर कैन नॉट कंसंट्रेट इट्स यूरिन सही बात है क्या ये गलत बात है कर सकता है इन डैश फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन बाय फ्लैट एंड स्टैम्स ओपुनशिया डिफाइन एलिन्स रूल बहुत पूछा जाता है तो मैं एग्जैक्ट तुम्हें सुना देता हूं जिससे कि कुछ गड़बड़ ना from have ears and limbs to heat loss. हो फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस समझ गए ठंडा क्लाइमेट होगा तो ज्यादा फैलना नहीं होता ठंड में सुकड़ सुकड़ के बैठते हैं यही है एलिन लो थे ऑफ फैट इन सील स्कोल्ड ब्लबर ंग पास इज नियर मनाली एंड ले सही है क्या बात बिल्कुल सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिग्नेस आर फर्स्ट नोजिया सेकेंड फटीक एंड हार्ट पाल्टेशन बॉडी एक्मटाइज टू लो ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट ठीक एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्सिंग रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट इज जो की चेंज एबायोटिक की बात हो रही है तो क्या होता है एग्जाम्पल डेजर्ट रिजॉर्ट्स का डैश बाचर डेजर्ट ने कौन से लेवल पे पॉपुलेशन ध्यान रखें हंड्रेड परसेंट नीड पूछेगा डैश इन भरतपुर वेटलैंड अभी किया टाइगर सेंसस इन अवर डैश एंड डैश इज ऑफन बेस्ड ऑन जो हमारा तुम देखोगे टाइगर सेंसेस की बात करें तो ये कहां पर हमारा जो है होता है

फ्लोर बीटल के लिए क्या होता है जीरो पॉइंटीन एटी वन आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज तो आर वैल्यू वॉज जीरो जीरो पॉइंट याद रखोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनशियल ग्रोथ कर्व इज डैश शेप्ड क्या शेप्ड जे शेप्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज डैश शेप्ड एस शिफ्ट जिसको हम सिगम शेप भी बोलते हैं ध्यान रखना पॉपुलेशन ग्रोथ इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स शो फेजेस कौन से चार होते हैं तो इसका आंसर है देखो पहले आएगा फेज फेज फिर phase फिर और फिर ऑफ ऑफ और हो सकता है आगे हमें डायग्राम मिले नहीं मिलता तो कोई बात नहीं तो ये होते हैं तुमने देखा होगा इस तरीके से होता है फेज लॉग फेज एक्सेरेशन डी एक्रेशन और फिर एसे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्स डैश एंड डैश लॉजिस्टिक ग्रोथ तो ये साइंटिस्ट का नाम थे पल द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन इज याद रखें नीट में आ चुका है क्वेश्चन डी एन बाई डी टीवल टू आर एन के माइनस एन बाइ के ऑर्गिज्म ब्रीड ओनली वंस पैसेफिक सेलमन फिश और बेम्बू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय ऑयस्टर्स एंड पिलेजिक फिश ये सब नीट में आएगा फिफ्टी एट बोथ स्पीशीज लूज इन पॉपुलेशन इंट्रेक्शन की बात चल रही है बहुत स्पीसीज में लूज करते हैं कॉम्पटिशन में इसलिए क्या नहीं करना चाहिए हमें कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नॉट क्या बोलते हैं प्रिडेशन पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म इन तीनों में वन स्पीसीज बेनिफिट होती है और एक नहीं होती है. मतलब प्लस और माइनस दोनों ऐसे रहता है इंट्रैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर इन किन तीन तरीके के इंट्रेक्शन में तो ये सेम प्रिडेशन पैरासिटिज्म और इसका भी आंसर सेम है ईटिंग अ अ सीड इज प्रेडेटर सही बात है क्या ये बिल्कुल सही बात है डैश एक्ट एज अ कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लेवल कौन प्रेडेटर 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 की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल ट्रू डैश इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली ईयर एंड बिकेम इनवेजिव प्रिंसी प्लियर कैक्टस कौन सी ईयर में नाइनटीन ट्वेंटी इट वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग उसको कंट्रोल में कैसे लाए हम कैक्टस फीडिंग प्रियटर ला करके जो कि था एक एंड नो फंक्शन इन मेंटेनेंस सिस्टम डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी क्या सही बात है ये क्या ये सही बात है बिल्कुल नहीं है फॉल्स इन अ रॉकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ डैश द स्टार फिश डैश इज इंपॉर्टेंट प्रियटर अमेरिकन पैसिफिक ओशियन पिजा स्टार

क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं जरूर ट्रू डैश एंड डैश क्रिप्टिकली कलर्ड कौन-कौन होते हैं फिर बताओ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स डैश इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर कौन है मोनार्च बटरफ्लाई बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस टेस्टफुल केमिकल ड्यूरिंग इट्स डैश स्टेज बाय फीडिंग ऑन डैश कौन से स्टेज पे कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड पॉइजनस वीड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल है क्या ये फॉल्स है फॉल्स है. है क्यों इंसेक्ट्स होना चाहिए था यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स नहीं इंसेक्ट्स होना चाहिए था यहाँ पे एनसीआरटी के लाइन जाकर के देखना डैश आर द मोस्ट कॉमन मोर्फोलॉजिकल मील ऑफ डिफेंस कौन होते हैं थॉन्स एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग थॉन्स देखा होगा तुमने एक एशिया और कैक्टस एलोक्ट्रोपिस्ट प्रोड्यूस हाइली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मर जाता है आदमी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर डिफेंस बट एक्सेड कमर्शियली यूज करते हैं जी पांच ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं निकोटीन कैफीन क्विनिन स्ट्राइचिन और ओपियम क्विनिन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया स्ट्रैचिन इज एन ट्रू ट्रूओ फॉल्स ट्रू इट इज यूज टू किल पेस्ट ट्रू ट्रूओ फॉल्स ट्रू अकॉर्डिंग टू डार्विन इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन फोर्स्यूशन इंटर स्पेसिफिक इन साउथ अमेरिकन लेक्स डैश एंड डैश कंपीट फॉर दियर कॉमन फूड दैट इज तो पहले तो कौन कंपीट करते हैं साउथ अमेरिकन लेक में बताओ जी फ्लैमिंगो एंड फिशेस। कॉमन फूड जू प्लैंटो रिसोर्स नीडेड टू बी लिमिटेड फॉर कॉम्पिटिशन टू ऑकर सही बात है क्या बिल्कुल सही बात है डिफाइन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन क्या है कॉम्पिटिशन तो की अगर हम डेफिनेशन देखें बायोलॉजिकल तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है द डेफिनेशन इज द प्रोसेस इन विच आर ऑफ द स्पीशीज डिक्रीजेस अब आर क्या है तो आर जो हमने अभी पढ़ा था जो हम पढ़ते हैं कि डी एन मान लो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन तो जो आर होता है ना रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अगर ये डिक्रीज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर स्पीशीज देन

आथरबोर्ड होते हैं बार्निकल इंसेक्ट होते हैं क्रस्टेशिया होते हैं क्रस्टेशिया होते हैं क्योंकि वाटर में लिव करते हैं सुपीरियर बार्निकल वॉज डैश विच एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल कौन सा वाला सुपीरियर बार्निकल वॉज बैलेनस विच एक्सक्लूडेड द स्मॉलर बार्निकल कौन क्लेथ है क्लेथ है डैश दिस इज फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ डैश ऑन डैश बार्निकल कॉर्नेल साहब ने किया था स्कॉटलैंड के सी कोस्ट में कार्निवोरस आर मोर अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन हरबी एंड प्लांट्स सही बात है क्या फॉल्स है टू क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कॉम्पिटेटिवली इनफीरियर वन विल बी एलिमिनेट इवेंचुअली दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं गाउज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्पीशीज इवॉल्व मैकेनिज्म टू प्रमोट को एक्सिस्टेंस इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन कंप्लीटेड ट्रू डैश फाइव क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स अवॉइडेड कॉम्पिटिशन ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस इन डैश एक्टिविटीज तो क्या था मैक आर्थर साहब आए थे उन्होंने बताया था डिफरेंट बेरेबल डिफरेंस इन फोरेजिंग एक्टिविटीज इनके होस्ट एंड पैरासाइट टेन टू को इवॉल्व बिल्कुल सही बात लॉस ऑफ दिस्टम इज सीन इन पैरासाइट सही बात है क्या बिल्कुल अडेप्टेशन फाउंड इन पैरासाइट आर तो चार तरीके के अडेप्टेशन मिलते हैं पैरासाइट में फर्स्ट इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन सेकेंड इज प्रजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट थर्ड इज लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड थर्ड इज हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एग्जाम्पल ऑफ ट्रिमेटोड ह्यूमन लिवर फ्लूक द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक आर स्नेल एंड फिश एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव पैरासाइट आर डैश ऑन ह्यूम एंड डैश ऑन डॉग्स बताओ लाइस ऑन ह्यूम एंड टेक्स ऑन डॉग्स मैनी मरीन ए फ्रेश आर इन्फेक्टेड विथ एक्टो या एंडो पैरासाइट कोपिपोइट्स तो पहली बात तो मरीन फिश इंफेक्टेड विथ कौन से एक्टो या एंडो यस एक्टो पैरासाइट कोपिपोइट बिलोंग टू तो क्लास डैश एंड फाइलम क्लास क्रस्टेशिया फाइलम आथ्रोपोड एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट क्या है कस्कुटा कस्कुटा डोंट क्लोरोफिल बिल्कुल सही बात फीमेल मॉस्किटो इज अ पैरासाइट फॉर ह्यूमंस क्या ये सही बात है फॉल्स नॉट अ पैरासाइट लाइफ इकिल ऑफ एंडो पैरासाइट एंडो एक्टोपेरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स कौन की कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है एंडो की ध्यान रखें ब्रूट पैरासाइट में सीन इन बिटवीन डैश एंड डैश कुक् मतलब कोयल एंड क्रो इन दिस द क्रो इज अ पैरासाइट ए हाउस्ट क्रो पैरासाइट होता है दोस्त ध्यान रखना कुकू बेचारी सीधी होती है कोयल बेचारी सीधी होती है ब्रीडिंग सीजन इज बिटवीन डैश टू डैश स्प्रिंग टू समर ऑर्किड्स ग्रो एज अ डैश ऑन अ डैश ब्रांच कैसे ग्रो करते हैं इपीफाइड ऑन अ मैंगो ब्रांच डैश ग्रो ऑन द बैक ऑफ द वेल बारनिकल्स एग्जाम्पल ऑफ कमेंशलिज सीन इन फार्म रूरल एरिया कैटल एर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल इसकी कहानी है कभी और अच्छे से बताएंगे क्योंकि रिविजन है इसलिए यहां पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे सी एनिमोन होस डैश विच गेट प्रोटेक्टेड ड्यू टू डैश ऑन सी एनिमोन तो सी एनिमोन किस को क्लाउन फिश को विच गेट प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड साइनाबैक्टीरिया कैन बी कॉल्ड लाइक इन ट्रू लाइक इन कैन फॉर्म बिटवीन फंगस एंड नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग एलगी फॉल्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा दोस्त अगर नहीं करोगे तो जाओ यहां से तुम किसी काम के नहीं कोई लाइक इन वाइक नहीं बनेगा माइक्रोराइजर्स बिटवीन डैश एंड डैश फंगाई एंड हायर प्लांट प्लांट प्रोवाइड डैश टू फंगाई एनर्जी यबोहाइड्रेट फंगाई हेल्प इन एब्जॉर्बशन ऑफ असेंशियल न्यूट्रिय फिग इज पॉलिनेटेड बाय वास्प फीमेल वास्प यूज फ्रूट एज ओवी पोस्टर फिग इवन ऑवर सम डैश एज अ फूड फॉर द लार्वा। डेवलपिंग सीड दे देता है वो वास्क पॉलिनेटेड द फिग इन फ्लोरसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल सुटेबल कौन एग लेंग साइट डैश शोज बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न ऑर्किड्स ऑर्किड्स आर पॉलिनेटेड बाय कौन दो लोग होते हैं बीज एंड पंबल बीज द डैश ऑर्किड नेम डैश एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिट कौन होता है ये अक्लमंद या हम बोलेंगे चोर आदमी मेडिटेरियन मेडिटेरियन ऑर्किड जिसका नाम है ओफायरस ठीक है तो मेडिटेरियन ऑर्किड नेम ओफायरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डेसिड All orchid offer full offer rewards. कैसा होता है क्या नहीं वन पैटल ऑफ इट फुलर बियर फीमेल किन किन चीजों में अनकैनी रेजेंबलेंस होती है यस साइज कलर एंड मार्किंग तक भी सेम होती है और इतना उल्लू बना जाता है नेचर में भी तो ये हमारे हो गए हम डिगाज कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए नीट में पूछा जा सकता है ठीक है तो इसमें हम समझ लेते हैं ए क्या है ए डेजर्ट है ठीक ए क्या है डेजर्ट है बी क्या है ग्रास लैंड है ग्रास लैंड है सी क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है डी क्या है टेम्परेट फॉरेस्ट है ई e क्या है कॉनी फॉरेस्ट है एफ क्या है आर्किड एंड अल्पाइन है चलिए ए क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बी क्या है डेसीडोस फॉरेस्ट सी क्या है डेजर्ट और डी क्या है सी कोस्ट इसमें पूछा जा सकता है आराम से नीट पूछेगा परेशान करेगा ए क्या है इसमें कन्फर्मर्स बी क्या है रेगुलेटर्स और सी क्या है पार्शियल रेगुलेटर या कन्फर्मर रेगुलेटर ध्यान रखें ये किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्या क्या आ, ये पिरामिड का मतलब है तो देखो ए का मतलब है एक्सपेंडिंग पिरामिड ठीक है बी का मतलब है स्टेबल और सी का मतलब है डिक्लाइनिंग ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी फ्यूचर में ये तो बहुत ऐसी है ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे इन दोनों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए देखो ये यहाँ पे क्या चल रहा है म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप चल रही है तो यहाँ पे फिक फ्लावर को ये वास्प पॉलिनेट कर रहा है और वास्प अंदर एग ले कर रहा है फिक फ्रूट तो मैं दिख रहा होगा तो इस तरीके से यहां पे म्यूचुअलिज्म चल रहा है एंडिंग में एक आप सभी लोगों के लिए मीम तो अवॉइडिंग प्रिडेट लाइक तो होप आप सभी लोगों को मजा आएगा सेशन में और इस तरीके से और भी सेशन मेरे चैनल पर डाले हुए हैं ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगी मिलते हैं किसी और ऐसे सेशन में फिर से बाय सभी लोगों को